आज हम लोग बातें करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर है, क्लास 8 बायोलॉजी का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, दोस्त है हमारा या दुश्मन है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, इसी सब पे चर्चा होगी। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल। कुछ हमसे बड़ा होता है साइज में और कुछ हमसे छोटा होता है। सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सबसे छोटा क्या है जो अब तक आप लोग देखे हो, अगर इसका आंसर हम गेस करें तो जनरल कॉमन सा जवाब आएगा चींटी या फिर छोटी वाली चींटी। सबसे छोटा वही है जो हम लोग अपने आँख से देखे हैं। उससे भी छोटा ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बेसिकली उसी सबको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर पूरे ऑर्गेनिज्म को, इस दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उस सब को हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो ग्रुप बन सकता है। एक बनेगा मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो जिसका साइज बड़ा है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, माइक्रो जिसका साइज बहुत छोटा होता है और हम उसको नहीं देख सकते। ठीक, जैसे माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है, मैथ में हम लोग पढ़े होंगे माइक्रो, 10^-6। माइक्रो बराबर 10^-6, -6 मीटर। अब आप लोग देखिए कि ये माइक्रो कितना छोटा होता है। 10^-6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/10^6, मतलब कि 1/, अब नीचे एक पे 6 जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,000,000, 10,000,000, 10,00,000। अगर 1 मीटर को 10 लाख बराबर भाग में अगर बांटा जाए तब उसके एक यूनिट को हम लोग बोलेंगे 1 माइक्रोमीटर। इतना छोटा होता है एक माइक्रो। ठीक है, तो वह इस इतना छोटे ऑर्गेनिज्म को हम लोग अपने आँख से तो नहीं देख पाएंगे ऐसे, तो फिर हम लोग उसको कैसे देखेंगे? चश्मा लगा के? नहीं, चश्मा से भी नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग, जिसके मदद से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जो 10^-6 मीटर से भी छोटा होता है, 1/10 लाख, इतना छोटा होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। देखने के लिए क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हम लोग को सिंगल नहीं दिखता है, लेकिन क्या होगा जब इसका पूरा का पूरा कॉलोनी अगर आ जाए तब क्या ये दिखेगा? हाँ दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। जैसे एक कॉमन एग्जांपल है ब्रेड मॉल्स का, मतलब अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो मान लेते हैं कि हम लोग ब्रेड लेकर आते हैं, ठीक, ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए। किसी कारण बस वो नहीं बनता है, एक दो दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो क्या होगा उस ब्रेड पे? जैसे ये ब्रेड है तो इस ब्रेड पे एक दो दिन बाद ग्रेइश वाइट पैच आ जाएगा। किस कलर का होगा? ग्रेइश वाइट, ग्रेइश वाइट। ये पैच क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉलोनी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? मॉइस्ट के वजह से, बारिश का मौसम है तो मॉइस्ट होगा, नमी होगा, उस नमी के वजह से क्या हो जाता है, ब्रेड पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ग्रो करने लगता है वो, और ब्रेड का कलर क्या कर देता है? ग्रेइश वाइट। ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो ये जनरली होता है फंगी के वजह से, फंगी। हाँ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है, 5 टाइप का होता है बेसिकली। जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सबके स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। तो
तो पांच ग्रुप में बांटा गया है, उसके काम के हिसाब से और उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके हिसाब से। उसमें से एक है हमारा फंगी, बाकी चार भी लिख देते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, प्रोटोजोआ एलगी, और एक अलग कैटेगरी होता है जो सबसे अलग है, चारों से अलग है, जिसका नाम है वायरस। ये पांचों ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, फंक्शनल अलग होता है, इसीलिए इसको बांटा गया है। अब जैसे बैक्टीरिया, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसके बाद ये सबसे अलग है। वायरस क्या होता है? वायरस में सिर्फ और सिर्फ वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल बोले तो आरएनए और डीएनए, सिर्फ और सिर्फ उसी का बना होता है। इसका खास बात यह है वायरस का कि ये जब तक होस्ट के बॉडी में नहीं आएगा, होस्ट मतलब हम लोग ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जब तक नहीं जाएगा तब तक ये मरा हुआ रहता है, डेड। और जब इंटर कर जाएगा तब ये एक्टिव हो जाएगा और फिर तबाही मचाएगा उसके अंदर। तो इस सारे के बारे में हम लोग डिटेल से भी पढ़ेंगे कि इसके काम के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। अगर हमारा मदद करेगा, फ़ायदा पहुँचाएगा तो क्या होगा? हमारा दोस्त। नुकसान करेगा तो क्या होगा? हमारा दुश्मन। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हमारा मदद करता है और या फिर कैसे हमारा नुकसान करता है।